हम देखते हैं कि प्रबंध के संदर्भ में अधिकार एक अधिकारी की ऐसी वैधानिक जो कि उसे जो विभागों की प्राप्ति के औद्योगिक क्षेत्र है हाँ। विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपने अधिकारों से वना कराने के लिए उसको प्राप्त होती है, है? तो अधिकार की जो परिभाषा है उस परिभाषा के पश्चात हम ये देखते हैं कि उसमें क्या प्रमुख तत्व है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं। हम एलिमेंट्स की बात करते हैं अधिकार में, या अधिकार को हम ये भी कह सकते हैं कि अधिकार जो है अधिकार आदेश देने के स्वत्व तथा उसे पालन कराने की शक्ति को कहा जाता है। यहां हम बात कर रहे हैं अधिकार के तत्व, एलिमेंट ऑफ अथॉरिटी। तो इसमें हम इसको कुछ पॉइंट वाइज समझेंगे। सबसे पहले वैधानिक शक्ति का उपयोग, वैधानिक शक्ति का उपयोग यूज ऑफ लीगल पावर। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, वैधानिक लीगल यानी कि जो कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त होते हैं। तो अधिकार संबंधी कोई प्रमाणित परिभाषा इसमें नहीं दिया गया है, जो लीगल पावर मिलता है उसको ही अधिकार कहा जाता है। यानी बिना पावर के अधिकार उसका कोई महत्व नहीं होता है, किंतु पावर का कभी कभी दुरुपयोग भी होता है। तो इसमें पावर का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से डर का वातावरण जो है वह उत्पन्न हो जाता है, और औद्योगिक क्षेत्र में या उपक्रम के संबंध में यह बिगड़ जाता है। तो एक कहावत है ना कि कहते हैं कि बंदर के हाथ में उस्तूरा, तो उसमें यह है कि भाई पावर जो है यदि जिसको जानकारी नहीं है और उसको मिल जाए तो उसका मिसयूज भी होता है। तो प्रबंध द्वारा जो शक्ति का प्रयोग है वह बड़ी ही कुशलता से उसके साथ संपन्न किया जा सकता है। ऐसा कुशलता से यदि उसकी उपयोग की जाए तो वह प्रबंधन के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, और उसके परिणाम जो हैं वह सकारात्मक प्राप्त होते हैं, और निश्चित रूप से प्रबंधन के लिए ये काफी महत्वपूर्ण होता है, और प्रबंधन को आगे बढ़ाने के लिए ये कारगर होता है। दूसरा, शक्ति के परिणाम स्वरूप निष्पादन कॉम्प्लेंस एज ए रिजल्ट ऑफ पावर। तो अधिकार का ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें शक्ति के परिणाम स्वरूप निष्पादित निहित यानी जो उसमें शामिल होता है, इसमें विभिन्न प्रकार से शामिल होते हैं। जैसे कि मतलब ये होता है कि भाई अनुनयन करना, प्रार्थना करना, निवेदन करना, ठीक है, रिक्वेस्टिंग मैटर यानी रिक्वेस्ट आप कह सकते हैं। रिक्वेस्ट के साथ साथ पनिशमेंट भी है, डांट डपट भी होती है, ठीक है। तो आर्थिक और अनार्थिक इन दोनों ही दंड का प्रावधान होता है। तो प्रबंधक को चाहिए कि इसमें अपने अधीनस्थों से जो कार्य का निष्पादन कराते हैं, कार्य कराते हैं, तो उस समय में उसका अनुनयन नयन ही नहीं है बल्कि उसका उपयोग करना, उसके साथ में यदि कार्य सही तरीके से नहीं हो रहे हैं
कार्यों को कराने के लिए उसमें डांट डपट की भी आवश्यकता, यानी कि थोड़ा सा हार्डनेस की भी आवश्यकता पड़ सकती है और उसका उपयोग करना चाहिए ताकि प्रबंधक अधिकार शब्द का प्रयोग जो है वह उचित रूप से कर सके और कार्यों को कर सके। अधीनस्थों को प्रभावित करना, अधीनस्थों को प्रभावित करना टू इन्फ्लुएंस टू इन्फ्लुएंस द सबऑर्डिनेट्स। तो अधिकार जो है इसमें अधीनस्थों को भी प्रभावित करता है, अर्थात मतलब जो साथ में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको भी यह प्रभावित करता है। तो अधिकारों का उपयोग उसी समय प्रभावी होता है जबकि अपने अधीनस्थों को अपने अधिकारों के प्रभावित भी हो, किंतु प्रभाव को यह स्वेच्छा या अपनी स्वेच्छा से इच्छा अनुसार होना चाहिए और उस पर उसको बल नहीं देना चाहिए। अर्थात जैसे कि पावर का उपयोग करते हैं या फिर उत्पीड़न करते हैं, यानी कि किसी को किसी प्रकार से इफेक्ट पहुंचाया जाता है पावर का उपयोग करते समय, तो ऐसे समय में क्या होता है कि कार्य बिगड़ सकते हैं, यानी वर्क सही तरीके से नहीं हो पाता और उसका निष्पादन के संबंध में अधीनस्थ को समय समय पर परामर्श लेते रहना चाहिए ताकि वह कुशल निर्देशन प्रदान कर सके और सही तरीके से कार्यों का संचालन कर सके, तभी वह अपने अधीनस्थों को भी प्रभावित कर सकता है। कुशल नेतृत्व efficient leadership, तो ये हम कहें कि नेतृत्व जो है वह कुशलता पूर्वक से होना चाहिए, अर्थात लीडरशिप से हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक विशेष गुण से है जिसके द्वारा वह अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं उनका वह मार्गदर्शन करता है, यानी कि उसको एक रोड मैप देता है, वो उसकी लीडरशिप करता है जिसके द्वारा वह अपने जो भी उसके अनुयायी है यानी कि उसके फॉलोअर्स हैं, तो फॉलोअर्स के जो समूह हैं उनके वार्षिक कार्यों को यानी कि उनके जो कार्य हैं और उनकी इच्छाओं के अनुरूप कार्य का निष्पादन करता है। जब वह कुशल नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम हो जाता है तो वह उस अधिकारी को चाहिए कि वह अपने अधिकारों का प्रयोग अपने अधीनस्थों को कुशल नेतृत्व के द्वारा कराए। ठीक है, अपेक्षाएं एक्सप्रेशंस, अपेक्षाएं जो होती हैं, तो इसमें अधिकार अधीनस्थों को काम सौंपने और उससे संतोषप्रद यानी कि संतुष्टिदायक कार्यों का निष्पादन करने की अपेक्षा रखता हो। सोर्सेस, तो सोर्सेस ये वैधानिक होने चाहिए, वैधानिकता के अनुसार से ये कार्य का स्रोत होता है। अब हम इसमें नेक्स्ट हम पहुंचते हैं कि अधिकार सत्ता, तो इसमें एक चीज तो ये भी होता है कि अधिकार का क्षेत्र, ठीक है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, अधिकार का क्षेत्र, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, तो प्रबंधन जो है मैनेजिकल हायरार्की जो है इसमें जितना नीचे हम जाते जाएंगे अधिकार पर उतने ही हम अंतिम कड़ाई की ओर जाएंगे और जितना हम ऊंचा जाते हैं उतना ही वह टाइट होता चला जाता है, यानी कि उसमें बंद होने और अधिकार क्षेत्र का विस्तृत विस्तार होने लगता है। ठीक है, तो जैसे कि हम कहते हैं कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संचालक मंडल, एक तरीके से आप अधिकार का क्षेत्र देखेंगे, स्कोप ऑफ अथॉरिटी, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे वो फैलता चला जाता है। ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अधिकार क्षेत्र है आपका, अधिकार क्षेत्र अथॉरिटी एरिया आप ये कह सकते हैं,
ठीक है। अब जैसे हम यहां ले तो क्या हो गया आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, जहां पर संचालक मंडल होता है, संचालक मंडल, ठीक है, यहां इसका क्षेत्र क्या हो गया, विस्तृत हो गया, फैला हुआ, ठीक है, और प्रतिबंधित सीमाएं जो है ये आपके प्रतिबंधित सीमाएं होती है, यहां कम होता है और इधर ज्यादा, ठीक है ना। तो हम इसमें देखते हैं संचालक मंडल, संचालक मंडल के बाद क्या जाता है आपका, हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, अध्यक्ष के बाद हम देखें उपाध्यक्ष, इसके बाद हम देखें कार्यकर्ता, फिर इसमें क्या हो जाता है अधीक्षक, सुपरवाइजर, ठीक है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ऊपर से जब नीचे की ओर आते हैं हम तो उसका जो अथॉरिटी एरिया जो होता है वह क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है, उसका अधिकार क्षेत्र कम होता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह विस्तृत होता है, फैलते हुए चला जाता है। जैसे कि हम अधीक्षक की बात करें तो एक लिमिटेशन है, वह उस लिमिटेशन के ही दायरे में रह सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये हम इसको अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं, ये उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत होता है कि सीमाएं हैं, प्रतिबंधित सीमाएं जिसके अंतर्गत वो कार्य करेगा, और अधिकार का क्षेत्र अथॉरिटी, इसको आप अथॉरिटी आप ये कह सकते हैं कि अधिकार का क्षेत्र जो है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे उनका क्षेत्र जो है कम होते जाएगा, और नीचे से ऊपर की ओर हम जब जाएंगे तो उसका क्षेत्र जो है वह व्यापक होता चला जाएगा। अब हम आप बात करते हैं, ये तो इसके एलिमेंट्स की बात हो गई, उसकी विशेषता की बात हो गई, अधिकार हम केवल एक पॉइंट को लेकर चल रहे हैं अभी, अधिकार। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषता के बारे में, बात करते हैं सॉरी अधिकार के प्रकार, टाइप्स ऑफ अधिकार, अधिकार के प्रकार, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी हम देखते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया लाइन अथॉरिटी, रेखा अधिकार, लाइन अथॉरिटी जिसको कि हम कहते हैं कर्मचारी अधिकार, क्रियात्मक अधिकार, फंक्शनल अथॉरिटी। तो यहां पर अधिकार के कितने प्रकार हो गए आपके, तीन प्रकार हो गए, ठीक है। अधिकार के जो प्रकार हैं इसके तीन प्रकार हुए, कौन कौन से तीन प्रकार हो गए आपके, रेखा अधिकार, लाइन अथॉरिटी, कर्मचारी एम्प्लॉयमेंट अथॉरिटी और क्रियात्मक फंक्शनल अथॉरिटी, ठीक है। अब इन तीनों को हम समझते हैं, लाइन अथॉरिटी, लाइन अथॉरिटी का सबसे पुराना जो है और काफी सरल इसका स्ट्रक्चर है। तो रेखा अधिकार से ऐसा जो होता है वो रेखा अधिकारों के निर्णय लेने के अधिकार से है, जैसे कि ह्यूमन हेमन ने कहा कि रेखा अधिकार आदेश देने का अधिकार है, यह वह अंतिम अधिकार है जो अन्य व्यक्तियों को निर्देशित करता है और उन्हें नीतियों, नियोजन, लक्ष्यों, निर्णय के अनुरूप कार्य करने का बढ़ावा देता है या उस कार्य को करने के लिए कहता है। तो इस अधिकार का, इस अथॉरिटी का जो मुख्य उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट, ये संगठन को कार्यशील बनाना होता है। तो जब तक रेखा अधिकार प्राप्त नहीं होता
या उसका इस जो है प्राप्त नहीं होगा तब तक वे अपने अधीनस्थों से कार्य नहीं करा सकता है। तो रेखा अधिकार प्रबंधन के उच्च स्तर से यानी कि हाई लेवल से जो कि अभी मैंने आपको रेखा चित्र के माध्यम से जो मैंने आपको बताया ऊपर से नीचे की ओर यानी कि आपका हाई लेवल से स्टार्ट होकर यह लोअर लेवल तक के आता है यानी कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेकर ये आपके सुपरिटेंडेंट या सुपरवाइजर तक आता है और सुपरवाइजर से फिर वो अदर जो एम्प्लॉय होते हैं उन तक पहुंचता है। तो ये पुराना है प्राचीनतम आपका ये प्रकार है आप ये कह सकते हो जो प्रारंभ से ही चला और इसमें प्रत्येक अधिकारी को अधीनस्थों के कार्य का पर्यवेक्षण करने उसको नियंत्रण करने का अधिकार होता है और अधिकारों के ये जो क्रम है ठीक है इसकी जो सीरीज है वो कंटिन्यूटी में चलता रहता है। और रेखा अधिकार का लक्ष्य जो है ये लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सीधा योगदान देना होता है और उसमें यह उसका योगदान आवश्यक हो जाता है। अब हम बात करते हैं कर्मचारी अधिकारी एम्प्लॉय अथॉरिटी। तो रेखा अधिकार के पश्चात हम कर्मचारी अधिकार आते हैं इसमें। तो कर्मचारी अधिकारी से आशय जो है वह प्रधान अधिकारी यानी कि मेन जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी हेल्प करना उनको सहयोग प्रदान करना मदद करना और उनकी सेवा प्रदान करना उनको सर्विस देना। जैसे कि फॉर सपोज हम एग्जांपल ले लें कि जो टेलीफोन है ना हम मोबाइल यूज करते हैं यानी कि कम्युनिकेशन के लिए तो उसमें देखिए कि जो आपके सुपीरियर अथॉरिटी होते हैं उनसे मिलने के लिए उसमें समय निर्धारित किया जाता है हम उनसे समय मांगते हैं समय लेने के बाद विशेष रूप से उनसे परामर्श लेते हैं उनको परामर्श देते हैं। तो इस तरीके से ये बातें होती हैं यानी कि स्टाफ अधिकार सेवा करने का अधिकार है। यह अधिकार अन्य व्यक्तियों के निर्णय लेने का अधिकार लंबत प्रभावित होता है इसके अनुसार से चलता है। फिर हम आते हैं क्रियात्मक अधिकार फंक्शनल अथॉरिटी जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है इसका आशय अधिकारों से जो किसी संगठन के कार्य या उसमें संगठन में कार्यरत जो क्रियात्मक अधिकारी को प्राप्त होते हैं। क्रियात्मक अधिकारी संबंधित अधिकारी अपने मामले के निर्णय लेने में सक्षम होता है और उसको प्रदान करता है ठीक है जी सर। तो इस तरीके से हम अथॉरिटी को समझ सकते हैं जैसे कि मैंने आपको अभी जो रेखा चित्र से मैंने बताया था अधिकार को समझने के लिए उसका क्षेत्र को आप उसको इसके क्षेत्र के साथ इसके सोर्सेस या इसके सिद्धांत को भी आप अधिकार के सिद्धांत को समझ सकते हैं। हम बात करते हैं इसके अधिकार के सिद्धांत की बात करते हैं तो सिद्धांत को समझ सकते हैं प्रबंधक की अधिकार के स्रोत कह सकते हैं या अधिकार के सिद्धांत। अधिकार के सिद्धांत ठीक है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी जो है इसके इसको आप समझ सकते हैं प्रबंध के क्षेत्र में अधिकार के जो स्रोत हैं सोर्सेस है इसके संदर्भ में काफी पर्याप्त मतभेद भी हैं अलग अलग तरीकों से। तो कुछ प्रबंध शास्त्रियों का ये मत है कि अधिकार का स्रोत जो है कि औपचारिक अधिकार के सिद्धांत पर आधारित है ना जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि स्वीकृति का सिद्धांत जो है वह महत्वपूर्ण है सोर्सेस ऑफ मैनेजरियल अथॉरिटी या प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी। तो इसको हम समझते हैं तो सबसे पहले इसमें फॉर्मल अथॉरिटी आती है औपचारिक अधिकार औपचारिक अधिकार का सिद्धांत ठीक है फॉर्मल अथॉरिटी
फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी, ठीक है। दूसरा विकृति का सिद्धांत, विकृति का सिद्धांत, एक्सेप्टेशंस, एक्सेप्टेंस थ्योरी, कृत क्षमता, क्षमता का सिद्धांत, कंपोनेंट्स थ्योरी। तो ये तीन इसके मुख्य सिद्धांत हैं जिनके आधार पर है। अब हम तीनों सिद्धांतों को थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं। औपचारिक अधिकार का जो सिद्धांत है फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार से प्रबंधक को अधिकार अपने उच्च अधिकारी जो उसके सुपीरियर होते हैं सुपीरियर अथॉरिटी से प्राप्त होता है। अर्थात हम ये कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी प्रदान होता है, संविधान के द्वारा भी प्राप्त होते हैं और उसके अनुसार से चलता है। तो ये औपचारिक अधिकार है। औपचारिक अधिकार जो है ये जैसे कि आपके कैशियर है उसके कहेंगे सहायक सबऑर्डिनेट जो लोग हैं उनको उनके द्वारा मिलता है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि जो निजी संपत्ति का अधिकार देश के संविधान द्वारा प्रदान होता है, तो इस प्रकार से इसमें विचारधारा जो है ये आधिकारिक स्रोतों की निजी संपत्तियों के लिए होता है। और जैसे कि हमारा देश जो है ये भारत की प्रजातांत्रिक देश है और इसके संबंध में जो उल्लेखनीय जो संविधान है जो उसमें आर्थिक सामाजिक राजनीतिक और शैक्षणिक परिस्थितियों को प्रभावित करती है उसके अनुसार से इसके अधिकार प्राप्त होते हैं। तो यहाँ जो सुपीरियर अथॉरिटी द्वारा जो अपने अधीनस्थों को अधिकार दिए गए हैं ये अधिकार लिखित हो सकते हैं या मौखिक भी हो सकते हैं और अंतर्निहित भी हो सकते हैं। लेकिन किसी भी दशा में प्रबंधकों को अपनी अधिकार सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ये एक सामान्य नियम है। उच्चाधिकारी जो है अपने प्रबंधकों को वही अधिकार प्रदान कर सकता है जो उसे स्वयं प्राप्त हुआ है, यानी कि जो उसको अधिकार मिला है उन्हीं अधिकारों को वह प्रदान कर सकता है। दूसरा स्वीकृति एक्सेप्टेंस का सिद्धांत, तो स्वीकृति अधिकार सिद्धांत का जो श्रेय है ये आई वार्डन और हार्मन साइमन को जाता है। इस सिद्धांत में यह है कि अधिकारों का स्रोत जो है वह उसकी स्वीकृति से है। इसमें हम ये देखते हैं कि उच्चाधिकारियों के अधिकारों को स्वीकार करने का अधीनस्थ कर्मचारियों को सामान्य रूप से लाभ होता है, जैसे कि उचित पारिश्रमिक प्राप्त करने का, यानी कि उनको जो रेम्यूनरेशन मिलता है वो सही तरीके से प्राप्त हो सके, ठीक है। उसमें वृद्धि इंक्रीज करने के लिए एक कहेंगे सम्मानजनक प्राप्ति, समय समय पर जो विभिन्न प्रकार के पारितोषक है यानी कि उनको जो गिफ्ट्स मिलते हैं वह भी प्राप्त कर सकता है। तो कर्मचारियों की प्रशंसा, अपने आचरण के संबंध में मान्यताओं में वृद्धि, उत्तरदायित्व का अनावश्यक भार उठाने से मुक्ति, तो ये स्वीकृति का सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत के अनुसार से किसी प्रबंधक के अधिकार का अस्तित्व तभी होता है जब तक कि उसके अधीनस्थ कर्मचारी उक्त अधिकार को स्वीकार नहीं करते हैं। यदि प्रबंधक के अधीनस्थ कर्मचारी उनके अधिकार को स्वीकार नहीं करते हैं तो ऐसा अधिकार का कहीं वहां पर कोई महत्व या कोई औचित्य नहीं होता, क्योंकि जब तक के वह एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक के वह इंपॉर्टेंट नहीं होगी, वो उसकी यूटिलाइजेशन नहीं होगा, अर्थात वे न के बराबर होते हैं। तो अधीनस्थ कर्मचारी उसी दशा में अधिकारी के अधिकारों को स्वीकार करते हैं जबकि उनकी दृष्टिकोण से या उसकी दृष्टि में अधिकारों को स्वीकार करने से होने वाला लाभ उन्हें स्वीकार्य अस्वीकार्य करने से होने वाली हानि की अपेक्षा अधिक हो, तो उसके अनुसार से। तो और यदि हम कहें कि इसके ठीक विपरीत
यदि अधीनस्थ कर्मचारी अपने अधिकारी के अधिकारों को स्वीकार करने से इनकार कर देता है, यदि मानने से वह इनकार कर देता है, तो उन्हें लॉस भी होता है, अपने अधिकारियों के अधिकार को वह नहीं मानता है, यानी अपने सुपीरियर का वह अधिकार को ग्रहण नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता, तो उससे उसको नुकसान भी होता है। जैसे कि वह जो लाभ मिलने वाले हैं, भाई जो गिफ्ट मिलने वाले हैं काम करने से, वो नहीं मिल रहा है, या वह अपने साथ इंक्रीज नहीं करा सकता है, और अपने साथियों की कर्मचारी की प्रशंसा वह प्राप्त नहीं कर पाता है, तो ऐसे समय में उसको ये नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, और उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाहियां भी हो सकती हैं नियमानुसार, यानी दंड का भी प्रावधान। कंपेटेंस थ्योरी की हम बात करते हैं तो ये दोनों ही विचारधाराओं से अलग है। इसके अनुसार से अधिकार का स्वरूप जो है वो तकनीकी क्षमता के रूप में व्यक्तिगत गुण है, यानी कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिन्हें औपचारिक रूप से कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं होते, किंतु उन्हें उसके निजी प्रभाव में व्यक्तिगत या व्यक्तित्व, हम कहते हैं ना कि भाई पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी से उसकी तकनीकी योग्यताओं के कारण से उसको विशेष योग्यताएं मिल जाती हैं, उसके नॉलेज एक्सपीरियंस अनुभव और उसकी पर्सनालिटी के आधार पर, ठीक है। तो इस श्रेणी के अंतर्गत आप ये कह सकते हैं कुशल व्यक्ति या कुशल कर्मचारी को शामिल किया जा सकता है, उनसे परामर्श लिए जा सकते हैं, समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने के लिए लोगों के ऊपर उसको प्रभुत्व में शामिल किया जा सकता है। तो ये आपका ये एक क्षमता के आधार पर, क्षमता का सिद्धांत, एफिशिएंसी आप ले सकते हैं इसको। अब हम ये बात करते हैं कंक्लूजन के रूप में, हम देखें इन तीनों ही मेथड को, तो प्रबंध की अधिकारों के स्रोत के संबंध में या स्रोत से संबंध रखने वाले जो सिद्धांत अपने अपने ढंग से लागू होते हैं और वह सत्य होता है, फिर भी औपचारिक अधिकार सिद्धांत की इंपॉर्टेंस वह कम नहीं है, उसको कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रबंधक के अधिकार प्रायः उसी सिद्धांत द्वारा निश्चित होता है। औपचारिक अधिकार सिद्धांत प्रबंधकीय कार्य की आधारशिला है, जिसे आज भी प्रायः सभी लोग स्वीकार करते हैं, और इसके अंतर्गत प्रभावी व्यक्तित्व भी कार्य करने के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, यानी कि एक अच्छी पर्सनालिटी जिसको नॉलेज हो, तो किसी भी प्रबंध की कुशलता, यानी एक अच्छे प्रबंधक की कुशलता जो है, कार्य करने की क्षमता जो है, वह अधिकारों की प्राप्ति पर ही उस पर निर्भर की जा सकती है, वरन उसके कार्य करने की क्षमता उसके प्रभावी व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। तो एक कुशल प्रबंधक के हाथ में जो अधिकार उपक्रम की उन्नति के लिए सहायक होता है, एक अकुशल प्रबंधक के हाथों में वही अधिकार उपक्रम को औन्नति की ओर लेके जाता है। अर्थात हम ये कहेंगे कुशल प्रबंधक के पास जो अधिकार होते हैं, वह एक तो संस्था को ऊपर भी लेके जा सकता है और वहीं पर वो संस्था को नीचे की ओर भी ले जा सकता है, अर्थात उसमें प्रगति नहीं होगी, सफलताएं नहीं हो पाएंगी, और वहीं पर दूसरी जगह में यदि कुशल प्रबंधक है और वह उसका उपयोग सही तरीके से करता है तो वह संस्था के लिए लाभप्रद होगा। तो इसके लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना चाहिए, यानी एनवायरनमेंट जो है वह सही होना चाहिए, ताकि उसमें उसके आधार मानवीय संबंधों से हो सके। अधिकारियों और अधीनस्थ, यानी कि जो आपके हायर अथॉरिटी है और उसके साथ एम्प्लॉयर जो है, कर्मचारियों के साथ में परस्पर उनका विश्वास होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, अधीनस्थों के प्रति उत्साह होना चाहिए, कर्मचारियों का लगन होना चाहिए, अधीनस्थ जो कर्मचारी के मन में अपने अधिकारी के प्रति श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, यानी कि उसको सही तरीके से कार्य को कराया जा सके और किए जा सके,
ठीक है। तो ये सब बातें एक अच्छे प्रबंधक की कुशल नेतृत्व पर निर्भर करता है, उसकी लीडरशिप पर निर्भर करता है कि वह उसको किस तरीके से कर सकता है। ठीक है, तो ये आज के लिए यहीं तक अधिकार के सिद्धांत की हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम जब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो अधिकार की सीमाएं, अधिकार के प्रयोग की सीमाएं, अर्थात द लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी। तो अधिकार की जो सीमाएं हैं मैंने आपको बताया था, तो संगठन संरचना के अंतर्गत अधिकार की सीमाएं जो है इसको भी समझने की आवश्यकता है कि किस सीमा तक के हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अभी आपका क्लास होगा नेक्स्ट, तो वो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, पॉइंट्स क्लियर है? पॉइंट्स क्लियर है आप लोगों को? हाँ या ना? यस सर। यस सर। मैं तो भेजता हूँ, आप पूरा नहीं देखते हो, पूरा देखा कि नहीं तभी समझ में आएगा। ठीक है, और पॉइंट यदि छूट जाता है या कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप इसको देखिए, बार बार देखिए, और उसमें से जो आपकी क्वेरीज है, जहां पे जो डाउट है, उसका आप उसको आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर।